वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम इक्वेशन ऑफ प्लेन की लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। कैपिलरिटी ऑफ टू लाइंस, लेट द गिवन लाइन बी आर वेक्टर इक्वल ए वन प्लस लैम्डा बी वन। इक्वेशन वन सपोज करते हैं एंड गिवन आर वेक्टर इक्वल ए टू प्लस म्यू बी टू वेक्टर, इसको इक्वेशन टू सपोज करते हैं। इक्वेशन वन हमारा पासिस थ्रो द पॉइंट, सपोज करते हैं कि पॉइंट ए को ए पॉइंट ए से थ्रो हो रही है, इसी तरह विद वेक्टर ए वन हमारा पोजिशन वैक्टर है एंड इज पैरेलल टू बी वन वैक्टर, यानी जो पोजिशन वैक्टर है वो बी वन वैक्टर के पैरेलल है। इसी तरह द लाइन इक्वेशन टू पासिस थ्रो द पॉइंट, ये पॉइंट बी को पॉइंट बी से पासिस थ्रो होती है विद पोजिशन वैक्टर, इसका पोजिशन वैक्टर ए टू है एंड इज पैरेलल टू बी टू वैक्टर। हमें टू इक्वेशन गिवन है, ए वन ए टू हमारे पोजिशन वेक्टर हैं, ए वन बी वन यानी बी वन ए वन के पैरेलल है, इसी तरह बी टू ए टू के पैरेलल है। तो अब हमें सबसे पहले जो टू पॉइंट्स गिवन है ए और बी, इनका हम डायरेक्शन गिवन करते हैं, यानी ए बी वेक्टर गिवन करते हैं, तो बाद वाले कोऑर्डिनेट में से पहले वाला कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, यानी ए टू पोजिशन वेक्टर में से ए वन पोजिशन वेक्टर माइनस कर देंगे। द गिवन लाइंस आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी वन क्रॉस बी टू। हमारा जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है बी वन क्रॉस बी टू के। जब भी टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है। तो ए बी हमें गिवन है ए टू माइनस ए वन और बी वन क्रॉस बी टू, हम इसे डिटर्मिनेंट द्वारा गिवन कर लेंगे। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट हम ए टू माइनस ए वन से करेंगे, यदि रिजल्ट हमारा जीरो आता है तो टू लाइंस आर कोप्लेनर। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म है। कैपिलरिटी ऑफ टू लाइंस, तो अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में समझते हैं। टू इक्वेशन हमें गिवन है तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन करते हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म लेट एक्स वन वाई वन जेड वन एंड एक्स टू वाई टू जेड टू बी द कोऑर्डिनेट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो देन ए बी इक्वल एक्स टू माइनस एक्स वन आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन के एंड बी वन इक्वल ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के। बी टू वेक्टर गिवन है हमें ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के। प्लेनर द गिवन लाइन आर कोप्लेनर देन ए बी वेक्टर डॉट एन वन बी वन क्रॉस बी टू बी वन क्रॉस बी टू
इक्वल जीरो, दैट इज। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे गिवन करेंगे, फर्स्ट रो में हम ए बी गिवन, फर्स्ट रो में हम ए बी की वैल्यू यानी एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। सेकेंड रो में हम बी वन वैक्टर यानी ए वन बी वन सी वन, और थर्ड रो में हम बी टू वैक्टर ए टू बी टू सी टू। अब इसका डिटर्मिनेंट गिविन करेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट गिविन करेंगे वो हमें जीरो के इक्वल गिविन हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि टू लाइंस आर कोप्लेनर। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म के लिए मेथड है। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 10 एनसीईआरटी बुक, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। तो हमें टू इक्वेशन गिवन है, एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ प्लेन गिवन करना है। दोनों इक्वेशन पासिंग थ्रू 213 पॉइंट से पासिंग थ्रू हो रही है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आर डॉट एन इक्वल डी, तो हेयर एन वन गिविन है हमें 2i प्लस 2j माइनस 3k, और डी वन गिवन है 7। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन से एन टू गिविन है हमें 2i प्लस 5j प्लस 3k, और डी टू गिविन है 9। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन उस कंडीशन में ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और पासिंग थ्रो 213 है। तो आर डॉट एन वन प्लस लैम्डा एन टू इक्वल डी वन प्लस लैम्डा डी टू। लैम्डा स्केलर है, आर हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो अब हम सबसे पहले आर डॉट एन वन और एन टू को प्लस करके एन टू में लैम्डा से मल्टीप्लाई करके एन वन में प्लस करते हैं, तो 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा इंटू जी, इसी तरह 3 लैम्डा माइनस 3 के इक्वल डी वन हमारे पास 7 है और डी टू हमारे पास 9 है। अब हम आर सपोज करते हैं, आर हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर है, तो आर को सपोज करते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ आर की वैल्यू पुट करते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट टू प्लस टू लैम्डा इंटू आई प्लस टू प्लस फाइव लैम्डा इंटू जे प्लस थ्री लैम्डा माइनस थ्री इंटू के इक्वल 7 प्लस 9 लैम्डा। तो अब आई की आई से डॉट प्रोडक्ट, तो हमें 2, तो एक्स प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा, अब जे से जे की डॉट प्रोडक्ट प्लस वाई 2 प्लस 5 लैम्डा, अब के की के से डॉट प्रोडक्ट जेड 3 लैम्डा माइनस 3 इक्वल 7 प्लस 9 लैम्डा। तो इसको हम इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। अब इस
इस इक्वेशन को हम पासिंग थ्रू द पॉइंट 213, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट 213, तो देन जैसे यहां पर 2 रखेंगे तो ये 4 प्लस 4 लैम्डा, और यहां पर y की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये 2 प्लस 5 लैम्डा, और यहां पर z की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो 9 लैम्डा माइनस 9 इक्वल 7 प्लस 9 लैम्डा। अब हमारा ये लैम्डा यानी 5 प्लस 4 9 18 लैम्डा प्लस का 6 माइनस के 3 इक्वल में 7 प्लस 9 लैम्डा। तो इस 9 लैम्डा को लेफ्ट साइड में लाने पर 9 लैम्डा, इस 3 को उस साइड में ले जाने पर राइट साइड में, तो इसलिए लैम्डा की वैल्यू हमारी 10/9। अब इस लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो इस इक्वेशन को हम ऊपर वाली लाइन को इक्वेशन 1 सपोज करते हैं, क्योंकि हमें पहले कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन गिवन करनी है, वेक्टर फॉर्म में। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1 वी हैव, तो 10/लैम्डा जैसे हम यहां पर पुट करेंगे तो ये हमारा 20/9 यानी 2 प्लस 20/9, जैसे ही 9 एलसीएम लेंगे ये 18 और ये 20, तो ये हमारा आर डॉट 38 आई। इसी तरह जब यहां पर वैल्यू रखेंगे तो ये 50/9 और जब 9 एलसीएम लेंगे तो 18 ये और 50 ये, तो ये हमारा 68 जे हो जाएगा। इसी तरह जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम 10/9, तो ये 30/9 एलसीएम लेने पर 30-27 यानी 3 के इक्वल में, जैसे ही हम यहाँ पे 10/9 रखेंगे तो ये 90 और एलसीएम लेंगे तो ये 63, तो ये 1/53/9, ऐसे ही यहाँ पे भी 9 आएगा तो 9 से 9 कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है वेक्टर फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले r डॉट n इक्वल d1, ये n1 है, फिर r डॉट n2 इक्वल d2, तो हमने n1 और n2 गिवन लिख दिया इक्वेशन की हेल्प से, d1 और d2 इक्वेशन की हेल्प से लिख लिया, r हमने पोजीशन वेक्टर xi प्लस yj प्लस z के सपोज किया। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल d1 प्लस लैम्डा d2, तो n1 और n2 को प्लस करके n2 में लैम्डा की मल्टीप्लाई करके n1 में हमने प्लस किया, तो इसको हमने इक्वेशन 1 सपोज किया। अब हमने r जो पोजीशन वेक्टर सपोज किया था उस r की i से यानी 2x 2 प्लस 2 लैम्डा, फिर j से यानी प्लस y 2 प्लस 5 लैम्डा, अब k की k से z 3 लैम्डा माइनस 3 इक्वल 7 प्लस 9 लैम्डा। अब इस इक्वेशन को यानी x y z होने के कारण पासिंग
पासिंग थ्रू द पॉइंट 213। जैसे ही हमने यहाँ x की जगह 2, y की जगह 1 और z की जगह 3 अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमें ये इक्वेशन गिवन हुई। फिर हमने लैम्डा वन साइड में और कोस्टेंट फंक्शन अलग साइड में लिखे तो जिससे हमें लैम्डा की वैल्यू 10/9 गिवन हुई। अब इस लैम्डा की वैल्यू को हमने इक्वेशन वन में पुट किया तो आर डॉट यहाँ से हमें आई, यहाँ से हमें जे और यहाँ से हमें के कोफिशेंट गिवन होंगे। फिर लैम्डा की वैल्यू रखी, एलसीएम लेके हमने अपॉन 9 से 9 को कैंसिल किया तो ये हमें वेक्टर इक्वेशन उस कंडीशन में है जबकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और पॉइंट 213 से होकर जा रही है। एग्जाम्पल 21 सो दैट द लाइन्स, तो हमें 2 लाइन्स गिविन है और शो करना है कि ये कोप्लेनर होंगे। तो कोप्लेनर के लिए मैंने कंडीशन अभी अभी बताई थी, उसी कंडीशन पे कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले x प्लस 3 इक्वेशन को चेंज करके x माइनस माइनस 3 अपॉन माइनस 3 इक्वल y माइनस 1 अपॉन 1 जेड माइनस 5 अपॉन 5 एंड एक्स माइनस माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल वाई माइनस 2 अपॉन 2 जेड माइनस 5 अपॉन 5। तो इस इक्वेशन को हमने कंप्लीट चेंज कर लिया एक्स माइनस एक्स 1 की फॉर्म में। अब हमारे पास यहाँ पर x1 गिवन है माइनस 3, y1 गिवन है 1 और z1 गिवन है 5। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन से x2 गिवन है माइनस 1, y2 गिवन है 2 और z2 गिवन है 5। तो ये हमारे माइनस 3 1 5 माइनस 1 2 5 डायरेक्शन रेशियो हैं। ये फर्स्ट लाइन के हैं और ये सेकंड लाइन के हैं। तो इफ टू लाइंस आर कोप्लेनर देन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 इक्वल 0। तो x2 माइनस, तो ये 2 गिवन हुआ हमें। जब x2 में से x1 माइनस करेंगे तो x2 ये माइनस 1 है और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2। इसी तरह y2 माइनस y1 2 माइनस 1 और z2 5 माइनस 5 यानी 0। अब इसी तरह यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो हमें गिवन है माइनस 3 1 और 5। यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो गिवन है माइनस 1 2 5। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से इनकी वैल्यू पुट करी। अब इसको एक्सपेंड करते हैं एक्स आर वन के विद रेस्पेक्ट, एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू आर वन वी हैव। तो 2 5 माइनस 10 यानी माइनस का 5 प्लस माइनस का 1, ये प्लस और ये माइनस साइन होता है। अब ये माइनस का 15 प्लस का 5 यानी माइनस का 10,
तो अब हमें यहां से माइनस टेन और ये माइनस माइनस प्लस टेन, तो रिजल्ट यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो गिवन हुई। तो हम कह सकते हैं कि हैंस टू लाइंस आर कोप्लेनर, हैंस टू लाइंस आर कोप्लेनर। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।